हिमाचल प्रदेश में खाली हुई 3 और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव अब हरियाणा में होने वाले चुनाव के साथ हो सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में सितंबर से मरीजों के लिए ड्रोन सेवाएं शुरू हो जाएंगी। प्रबंधन ने इन सेवाओं को शुरू करने के लिए सभी औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली हैं। लोकसभा चुनाव के चलते लगी आदर्श आचार संहिता हटने के बाद इस औपचारिकता को भी पूरा कर लिया जाएगा। प्रचंड गर्मी से राहत की तलाश में लोग पहाड़ों के नदी, नालों और खड्डों में उतर रहे हैं। वहीं एक सप्ताह के भीतर जिला कांगड़ा में डूबने से मौत के 3 मामले सामने आ चुके हैं। नगरोटा बगवां क्षेत्र के रिन पंचायत में सोमवार सायं आए अधड़ से गिरे आम के पेड़ की चपेट में आने से पूर्व सैनिक की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्मचंद नियमित सैर को सड़क पर जा रहे थे। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस के कैप्टन रंजीत सिंह राणा ने भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा को हराया। यह चुनाव काफी दिलचस्प रहा क्योंकि दोनों उम्मीदवार पहले भारतीय जनता पार्टी के करीबी रहे थे। विधानसभा क्षेत्र गगरेट के उपचुनाव में भाजपा के चैतन्य शर्मा हारे, कांग्रेस के राकेश कालिया को जीत मिली। धर्मशाला में पेश आया बड़ा हादसा, एनएसटीसी बस की ब्रेक फेल हुई, बस एक दुकान में जा घुसी, दुकान को भारी नुकसान हुआ। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिली, जीत का जश्न शुरू हुआ। लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा 1786 वोटों से जीती, कांग्रेस समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर की जीत हुई, वहीं उनके समर्थक जीत के जश्न में डूबे अनुराग ठाकुर को कंधों पर उठाकर खूब झूमे। शुरुआती रुझानों के आने के बाद भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने सरकाघाट के धबोही स्थित अंबिका माता मंदिर में माथा टेका। इस दौरान मां आशा रनौत ने कंगना को दही खिलाई। विश्व धरोहर शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर अब ब्रिटिशकालीन समय का स्टीम लोकोमोटिव इंजन दौड़ता नजर नहीं आएगा। एक वर्ष से इसका संचालन बंद होने के बाद अब तक इसकी मुरम्मत नहीं हो पाई है। ऐसे में अब यह स्टीम इंजन भविष्य में इस रेलवे ट्रैक पर चलता नजर नहीं आएगा। शिमला में हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने प्रेस वार्ता की, बोले, प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिली। बड़सर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने सुभाष चंद को 2317 वोट से हराया। हिमाचल पेंशनर्स संघ खंड इकाई नादौन की मासिक बैठक 7 जून को सुबह 10:30 बजे खंड प्रधान जगदीश चंद शर्मा की अध्यक्षता में कांगू में होगी। बैठक में पेंशनरों की लंबित मांगों एवं समस्याओं के अतिरिक्त संघ की गतिविधियों पर चर्चा के साथ साथ सदस्यों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। नगर परिषद हमीरपुर की ओर से एक वर्ष पहले लाखों रुपए खर्च करके स्थापित किए गए मोबाइल शौचालय वर्तमान में शोपीस बने हुए हैं। ट्राला और ट्रक यूनियन के साथ स्थापित मोबाइल शौचालयों पर ताले लटके हुए हैं। ऐसे में राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुटलहर विधानसभा क्षेत्र से जीते कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा ने कहा कि कुटलहर की जनता ने देवेंद्र भुट्टो को दोषी करार दिया है। उन्होंने कुटलहर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए जिन्होंने दलबल की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें जीत दिलाई। गगरेट विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद राकेश कालिया ऊना पहुंचे और उन्होंने जीत के प्रमाण पत्र लेने के लिए अधिकारियों के समक्ष दावेदारी प्रस्तुत की। इस दौरान राकेश कालिया ने कहा कि यह जीत भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई है। ऊना जिला में तापमान 45 डिग्री के आसपास चल रहा है। आम लोगों के साथ साथ किसानों को प्रचंड गर्मी व तेज धूप से दोगुनी परेशानी उठानी पड़ रही है। सोलन जिला में नदी पार क्षेत्रों में टमाटर की पैदावार तैयार हो गई है। इसी के साथ सब्जी मंडी में भी स्थानीय टमाटर की दस्तक शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को हुए मतदान को लेकर आए नतीजों में धर्मशाला सीट से भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने जीत हासिल की है। सुधीर शर्मा को 27,529 मत हासिल हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र सिंह जग्गी को 5,611 मतों से हराया। ऊना में विधानसभा चुनाव में गगरेट से राकेश कालिया और कुटलहर से विवेक शर्मा के विजयी होने पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आभार रैली निकाली। इस मौके सतपाल रायजादा भी मौजूद रहे। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने जीत दर्ज करने के बाद मंडी सेरी मंच पर जनता का धन्यवाद किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव 2024 में मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को जीत मिली। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह दूसरे नंबर पर रहे। वहीं इन चुनावों में कुल्लू जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों में 1,292 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया है। कुल्लू के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 21 में जिला स्तरीय तृतीय सोपान आयोजित किया जाएगा। इसमें 7 से लेकर 11 जून तक स्काउट एंड गाइड विभिन्न गतिविधियों में अपना हुनर दिखाएंगे। नाहन बिरोजा एवं तारपीन फैक्ट्री को इस बार 40 लाख रुपए का आर्डर मिला है। बीते वर्षों की अपेक्षा अब यहां पिछले कुछ सालों से कारोबार में बढ़ोतरी है। यहां की कुल बिक्री अब 30 करोड़ रुपए सालाना को पार कर गई है। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे विक्रमादित्य सिंह और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला में संयुक्त पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने हार का कारण बताते हुए कहा कि जनता के साथ तालमेल की कमी थी। लाहौल स्पीति में लता ठाकुर के बाद अनुराधा राणा लाहौल स्पीति की दूसरी महिला विधायक बनी। इसके लिए उन्होंने लाहौल के जनता का आभार जताया।
हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर की जीत होने पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप की जीत होने पर मॉल रोड शिमला में जमकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस मौके पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। बालसा इलेक्ट्रिकल, महाजन बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश में आपका भरोसेमंद इलेक्ट्रिकल शॉप। सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल आइटम्स, हैवेल्स, केईआई, बजाज, फाइनलेक्स, क्रॉम्पटन, इंडो, विहान और पथ फिलिप्स किफायती दामों पर। आज ही आएं और सबसे बेहतरीन डील्स पाएं।